अगर मैं कह दूं कि ये जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा ये जो क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप को, अगर पर्टिकुलर प्लांट को अगर हम ग्रो ग्रो करेंगे तो उसी को कहा जाता है क्रॉप, ठीक है। एक निश्चित समय में, एक निश्चित प्लेस पे, जगह पे, ठीक है, और एक निश्चित प्लांट को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसी को हमने कह दिया कि ये भाई ये क्रॉप है। तो ये जो क्रॉप है, अगर उसको हम खाने के बेस पे डिवाइड करें तो वो कितने तरह की हो सकती है, ठीक है। अगर ये जो क्रॉप है, ठीक, ये जो फसल है, अगर इसको हम कहें कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक तो हो सकती है आपकी फूड क्रॉप, ठीक, कि आप उसको खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एक आपकी हो सकती है फॉडर क्रॉप, FODDER, कि भाई जो हमारे जानवर हैं, जो जिसको हमने पाला हुआ है, जिससे हमें दूध मिल रहा है, ठीक है, जिससे हमें वो मिल रहा है, मैन्योर मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, हमारे जो खाने बच जाते हैं उनको वो खा रहे हैं, तो यानी कि हमारे हर तरह से वो बेनिफिशियल हैं। तो उनको खिलाने के लिए पर्टिकुलर हम जगह पे क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हमने कह दिया कि वो फोडर है, ठीक है। और एक होता है कि हम भाई खेत लगा रहे हैं तो उससे हमको पैसा मिले, ठीक है। अगर हम जूट का पेड़ लगा, जूट लगा रहे हैं, अगर हम कॉटन का प्लांट लगा रहे हैं तो उस प्लांट से हम ऐसा ग्रो करें कि हमको उससे पैसा मिले। शुगर केन ग्रो कर रहे हैं तो उस तरह के क्रॉप को क्या कहा जाता है, कमर्शियल क्रॉप, ठीक है, और उसको कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि क्रॉप्स को जनरली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हो गया आपका फूड क्रॉप, एक पार्ट हो गया आपका फॉडर क्रॉप, और एक पार्ट हो गया आपका कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब समझ में आया कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमें, जिससे हमको पैसा मिलता है, जिससे हमको क्या मिलता है, हमें इनकम होती है हमारी, उस तरह के क्रॉप को क्या कहा जाता है, कमर्शियल क्रॉप। यील्ड जो है, वो जो उपज हो रही है, जो हमें प्राप्त हो रहा है गेहूं के पेड़ से, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो इंक्रीज होगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे सेम अमाउंट ऑफ लैंड और सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये दो खेत थे, ठीक है, इस खेत से हमको मिल रहा है, सपोज दैट यहाँ से मिल रहा है 10 किलो गेहूं मिल रहा है, ठीक। अब हम क्या करें कि इसी के बराबर ये वाला खेत जो है, देखें इसी के बराबर करते हैं इसको। अब ये दोनों खेत जो है वो बराबर है। अब हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि इसमें गेहूं लगाने के बाद इसी खेत में इतने ही टाइम में 10 किलो की जगह पर हमें क्या मिल जाए, 20 किलो गेहूँ मिल जाए, तो ठीक है। यील्ड इंक्रीजेस, तो उपज इंक्रीज तब होगी व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस सेम अमाउंट ऑफ लैंड सेम पीरियड ऑफ टाइम, तब जाकर के प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका यही मतलब हुआ है कि जो उपज हमें मिल रही है वो इंक्रीज करेगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे किया जाएगा, ये एक खेत है, वही दूसरा खेत यहाँ पे है, फर्स्ट है, फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट यहाँ पे, सेम खेत है, इसमें अगर हम सेम अमाउंट ऑफ लैंड सेम पीरियड ऑफ टाइम, तब जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इससे उपज भी इंक्रीज होगी, ठीक। तो यह यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है सेम अमाउंट ऑफ लैंड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, वो तीन तरीकों से हो रही है, ठीक है। एक तरीका है आपका क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा तरीका है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, तीसरा तरीका है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये अगर खेत है एक खेत, ये अगर दूसरा खेत है, अगर इसमें अच्छे गेहूँ का पेड़ हम लगाएंगे, ठीक है, इसमें हमने गेहूँ का जो पेड़ लगाया हुआ है ये दोनों ख़राब है, और ये जो और इधर जो लगाया हुआ है ये दोनों ख़राब है, ठीक है। तो देखिए इतना, अब इससे जो गेहूँ मिलेगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सारा जो है अच्छा वैरायटी का हमने प्लांट लगाया हुआ था, कि किसी भी प्लांट को कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी प्लांट जो है वो ईजिली ग्रो कर रहा था, अच्छे से ग्रो कर रहा था। लेकिन इस वाले में जो था, ये वाला जो सेकेंड वाला खेत था, इसमें क्या था कि दो ये ख़राब है और ये ख़राब है, दो तो ख़राब है प्लांट और ये इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यानी कि जो फर्स्ट प्लांट है वो जो अच्छा उपज देगा, 100 किलो अगर गेहूँ दे रहा है तो ये देगा 50 किलो ही गेहूँ, और कमी देगा, 50 किलो नहीं दिया तो 25 किलो दे दिया, ठीक है, गेहूँ। तो यानी कि प्रोडक्शन क्रॉप की वैरायटी, जब अच्छी क्रॉप वैरायटी लगाएंगे हम तो हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और ये जो ख़राब लगाएंगे तो हमें उतना अच्छा क्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है। कैसे हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, वो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो अच्छा सीड ले आए तब अच्छा प्लांट होगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन करा दें, या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करा दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि अब हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए, सबसे पहले कि इन ये क्रॉप
सबसे पहले कह रहा है कि हमें ये इस खेत में जो है वो ज़्यादा उपज लानी है, ज़्यादा गेहूं लाना है, तो इसमें हम क्या करें कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं, जो क्रॉप हम लगा रहे हैं, उसकी क्या करिए वैरायटी को इम्प्रूव कर दें, यानी कि अच्छा क्रॉप जब लगाएंगे तो उसकी वैरायटी इम्प्रूव हो जाएगी। और अच्छा क्रॉप लगाने के लिए 3 तरीके हैं, या तो हम अच्छा सीड ले लें, सीड अच्छा ले लें, एक तरीका तो ये तो ईजी है। दूसरा तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करा दें, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करा दें। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखें हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो देखें ये एक क्रॉप, ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है दूसरा पेड़, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, लेकिन ठीक है, देखें दो पेड़ है। अब इस पेड़ की क्या क्वालिटी है, ये जो पहला वाला पेड़ है इसके पास ये क्वालिटी है कि ये हाई यील्ड है, मतलब ये ज़्यादा उपज देता है, ठीक है, और नंबर टू ये क्या है, हाई लो रेजिस्टेंस पावर है इसकी, ठीक, तो इसका लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये ज़्यादा बीमारी से नहीं लड़ पाता है, ये वाला प्लांट प्लांट 1 और ये प्लांट 2 है, लेकिन ये क्या है हाई यील्ड है, ज़्यादा उपज देता है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये जो पहला प्लांट था आपका, उसकी ये जो पहला क्रॉप है उसकी 2 क्वालिटी है, ये अच्छी उपज देता है, अच्छा अच्छी फसल देता है, लेकिन उसकी जो लड़ने की पावर है, यानी कि अगर वो ख़राब हो रहा है या कोई कीड़ा उस पर लग गया है तो वो ज़्यादा लड़ नहीं पाता है, तो ये एक प्लांट की 2 क्वालिटी थी। अब क्या हुआ, दूसरा प्लांट लिया ये वाला, उसकी क्वालिटी क्या थी कि ये जो हाई यील्ड था वो लो यील्ड है, और रेजिस्टेंस पावर उसकी जो थी हाई थी, ठीक है, रेजिस्टेंस पावर उसकी हाई थी, यानी कि ये वो उपज बहुत कम देता है, लेकिन वो कीड़े मकोड़ों से या आंधी तूफान से, या मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसके पास, यानी कि प्लांट सेकंड वाले के पास कौन सी क्वालिटी है भाई, कि वो उसकी लड़ने की पावर ज़्यादा है, लेकिन प्लांट ए के पास कौन सी क्वालिटी थी भाई, कि वो हाई यील्डिंग है, यानी कि वो ज़्यादा उपज दे सकता है, ठीक। अब क्या किया गया, इस प्लांट की इस क्वालिटी को लेकर के और इस वाले प्लांट की लो हाई रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी को लेकर के दोनों का जब फ्यूजन कराया, नया प्लांट बनाया, तो अब जो प्लांट मिला, ठीक है, यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से जो नया प्लांट बना हुआ है, उस प्लांट के पास क्या आ गया, ये दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो जो नया प्लांट बना, ठीक है, सपोज दैट ये प्लांट बना हुआ है, हाँ, अब ये जो प्लांट बना हुआ है, देखें इस प्लांट के पास दोनों क्वालिटीज़ आ गई कि नहीं आ गई भाई, दोनों क्वालिटीज़ कौन सी, दोनों क्वालिटीज़ एक वो कि जो ज़्यादा उपज थे जिसको कहा जाता है हाई यील्ड, और एक वो जो हाई रेजिस्टेंस वाली, दोनों क्वालिटी आ गई ना। अब इसको इस ये क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव हो गई ना, ये प्लांट पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, ठीक, तो इस तरह के से क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव जब किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, हाइब्रिडाइजेशन। सुन रहे हैं आप लोग ना, बोलिए, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, SHEION, ठीक।